दोस्तों, गाजी अर्तगल की दूसरी किस्त। पहले किस्त में हमने आपको बताया कि सकाफती जंग क्या होती है, कल्चरल इन्वेजन से क्या, किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं, यूरोप और अमेरिका ने क्या रोल अदा किया, भारत ने इस सिलसिले में किस तरह से अपनी सकाफत को फैलाया है। और यकीन जानिए, आपकी जो फीडबैक आपका मिला है वो बहुत हौसला अफजा है, बहुत खुशी होती है इस तरह की कमेंट्स सुनकर और इस तरह की चीज़ें रिसीव करके। मासूम रिजवी चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको दूसरी किस्त भी हमारी बहुत पसंद आएगी। गाजी अर्तगल की दूसरी किस्त में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अरब की क्या सूरत हाल है, वहाँ हलचल क्यों है, पूरे अरब खत्ते में हलचल है। और जनाब, सिर्फ इतनी हलचल ही नहीं है बल्कि एक फतवा भी आ चुका है गाजी अर्तगल सीरियल के खिलाफ, इसे हराम करार दिया जा चुका है। भारत में क्यों बेचैनी है, भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत क्यों परेशान है, मकबूजा कश्मीर में ये सीरियल धड़ाधड़ देखी जा रही है, तो इंतहा पसंद हल्के क्यों बेचैन हैं, क्या हलचल है वहाँ, ये सब कुछ आपको बताएंगे दूसरी किस्त में। पहला अहम नुक्ता तो यह है कि सीरियल का नाम रिसरक्शन ऑफ अर्तगुल गाजी रखा गया है, यानी अर्तगुल का दोबारा नमूदार होना, जो अलामत है मुसलमानों की हुक्मरानी की, उस्मानी सल्तनत जो मुसलमानों की शान और शौकत की आखिरी झलक है। ये सीरियल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण जगाती है, माजी की अजमत को दोबारा पाने का हौसला देती है। जनाब, पहले बात करते हैं अमेरिका और यूरोप की, इसके बाद आएंगे सऊदी अरब और भारत की जानिब। अमेरिका और यूरोप के अखबारात ने इस सीरियल पर तनकीदी मजामीन लिखे। वजह क्या है? अमेरिका की परेशानी यह है कि अब तक जो नफसियाती हथियार वो मुसलमानों पर इस्तेमाल करता रहा, आज खुद उसका सामना कर रहा है। मसला ये नहीं कि अमेरिका में मौजूद मुसलमान इसे देख रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स और दीगर जराए के तवसुत ये अमरीकियों में भी नहायत मकबूल सीरियल साबित हो रही है। यूरोप का हाल इससे ज्यादा बदतर है। यूरोप, जिसने मुसलमानों के उरूज की दास्तान कौमी याददाश्तों से खुरच डाली थी, मगर अब इस सीरियल के जरिए तारीख के सफात पलट रहे हैं। पहली मुसीबत तो यह है कि अपनी दुनिया में मगन यूरोप की नस्ल के लिए ये एक कड़ा सच है कि उनके अपने ही मुल्क पर कभी मुसलमान हुक्मरानी करते रहे। ये तकलीफ दे हकीकत यूरोप की नौजवान नस्ल के जहन में नफसियाती हिजान पैदा कर रही है। दूसरी अहम बात, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप के अक्सर ममालिक में मुसलमानों की आबादी का तनासुब तेजी से बढ़ता जा रहा है। इम्कान ये है कि 30 से 50 सालों में आबादी का तनासुब बराबर हो जाएगा। इस तनाजुर में यूरोपी हुकूमतों के लिए अर्तगुल गाजी सीरियल एक बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। इन वजूहात की बिना पर अमरीकी और यूरोपी माशरा खलबली का शिकार है। आले सऊद की क़यादत में सऊदी अरब की तश्कील हुई। एक बात आपको और बताते चलें, तुर्की में आज भी सऊदी अरब को अरबिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। बहरहाल, अब कहा यह जाता है कि मुआहदा लुजान तय हुआ और उसमें तुर्की पर बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं कि वो तेल नहीं निकाल सकता, उसकी बंदरगाहों पर टैक्स नहीं ले सकता और ममालिक के हवाले से, ये सब वाहियात बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही इस चीज़ में कोई हकीकत है कि तुर्की का 2023 में मुआहदे के 100 साल पूरे होने पर दोबारा उन ममालिक पर कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर तुर्क हुकूमत कभी भी इसकी तरदीद नहीं करती, बल्कि दरपर्दा इसको हवा देती है। तो जनाब, सूरत हाल ये है कि अरब दुनिया में क्या परेशानी है इस सीरियल से, अरब क्यों परेशान है, सऊदी अरब क्यों परेशान है, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में क्यों खलबली है, इसकी बड़ी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो आपके सामने लाते हैं। पहली जंग अजीम खत्म हुई तो उस्मानी सल्तनत का भी खात्मा हो गया। सल्तनत के हिस्से बुखरे और छोटी बड़ी अरब रियासतें वजूद में आ गईं।
पहले हिजाज मुकद्दस यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तुर्क सल्तनत का हिस्सा थे, फिर आले सऊद के तहत सऊदी अरब की तश्कील हुई। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि तुर्की में आज भी सऊदी अरब को अरबिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल यह है कि मुस्लिम दुनिया की क़यादत में तुर्की सऊदी अरब को पीछे छोड़ता जा रहा है। माजी के खदशात और मुस्तकबिल के खतरात, बादशाही निज़ाम के तहत छोटी बड़ी अरब सल्तनतें तुर्की को एक हरीफ और एक खतरे की हैसियत से देखती हैं। इसी बायस पूरे अरब खित्ते में इस सीरियल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ, पूरे अरब में अर्तुगरुल गाजी ममनू यानी बैंड है। एक और मजेदार बात वो ये कि मिस्र में तो अर्तुगरुल गाजी सीरियल के खिलाफ बाकायदा फतवा जारी करके इसे देखना हराम करार दिया जा चुका है, मगर मसला फिर भी अपनी जगह है और वो ये कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अरब खित्ते में ये सीरियल निहायत मकबूल है। एक और दिलचस्प बात का तस्करा भी करते चले, अर्तुगरुल गाजी सीरियल का तोड़ करने के लिए अरब चैनल MBC पर ड्रामा सीरियल उम्मे हारून नशर की जा रही है। उम्मे हारून में अरब और इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तारीखी दलायल दिए जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रामे में सहूनी रियासत से हमदर्दी जबकि फलस्तीनियों पर कड़ी नुक्ताचीनी की गई है। खुद इसराइल में भी इस सीरियल के खिलाफ खासी बेचैनी पाई जाती है क्योंकि रियासती जबर के तहत जिंदगी गुजारते मजलूम फलस्तीनियों में ये सीरियल मकबूल है। दोस्तों, हमें और आपको ये अच्छी तरह पता है कि फलस्तीन की तहरीक आज़ादी कमज़ोर तो पड़ी है मगर ख़त्म नहीं हुई। सहूनी हलकों में अर्तुगरुल गाजी को तश्वीश की नज़रों से देखा जा रहा है। तो जनाब, ये तो थी सूरत हाल अरब खित्ते की। अब आते हैं पड़ोस यानी भारत, वहाँ क्या सूरत हाल है। कश्मीर में हिंदुस्तानी मजालिम पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान का दो टोक मौक़िफ भारत के गले में अटका हुआ है। इस सूरत हाल में अर्तुगरुल गाजी मकबूजा कश्मीर में मकबूल तरीन ड्रामे की हैसियत हासिल करे तो भारत में जलजला तो आएगा ही। आपको पता है कि हिंदुस्तान में अरसाए दराज तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। गयासुद्दीन बलबन, गौरी, खिलजी, तुगलक, बहमन और दर्जन से जायद दीगर सल्तनतें, फिर तवील मुगल बादशाहों का सिलसिला, टीपू सुल्तान, रजिया सुल्ताना जैसे जंगजुओं का ताबनाक दौर और अब हिंदुत्व झेलते मजलूम पसमानदा मुसलमान। इंतहा पसंद मोदी सरकार के भारत में सीरियल की मकबूलियत उरूज पर है। सबसे अहम बात यह है कि भारत को खदशा है कि मुसलमानों की जिद्दोजहद पर मबनी ये सीरियल मजलूम कश्मीरियों में एक नई तहरीक का बायस ना बन जाए। अर्तुगरुल गाजी रियासती जबर के तले दबे मजलूम कश्मीरियों और कसीरुल सकाफती माशरे में जाने कितने गाजी पैदा कर सकता है। मोदी सरकार के इंतहा पसंद हलकों में एक तहलका मचा हुआ है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में कोई नई तहरीक, कोई नई जंग ना शुरू हो जाए। तो जनाब, ये है तुर्की की सकाफती जंग। आप चाहें तो इसे फिफ्थ जनरेशन वॉर के नाम से भी पुकार सकते हैं, जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों, ये था कल्चरल इन्वेजन, सकाफती जंग। हमने जाना किस तरह माशरों की, कौम की सोच को तब्दील कर दिया जाता है। तुर्की एक बार फिर बाजी ले गया। तैयब उर्दवान के एक हाथ में अतातुर्क की रोशन रियासत है तो दूसरे हाथ में उस्मानी सल्तनत का चमकता माजी। अभी उर्दवान के तरकश में बहुत सारे तीर बाकी हैं। देखें दुनिया कहां तक मुकाबला करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें। हौसला अफजाई का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।